जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अरे लगता है कोई नॉक कर रहा है, नहीं छुपा छुपा बंद कर, लगता है कोई आ गया है। तू है, हम लोग तो घबरा ही गए थे। बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है? नाश्ते को भी वक्त है ना, एक राउंड लगाया। जो हारेगा वो उसके बॉयफ्रेंड को दूसरे को देगा। छी, तुम लोग तो कुछ भी वक्त रहते हो। कितने दिन एक ही फिल्म देखेंगे, बदलना चाह रहे हैं। गर्ल्स, गर्ल्स, दरवाजा खोलिए। वार्डन होगी। क्या कर रहे थे? ग्रुप डिस्कशन मैडम। गुड, ऐसे ही डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। ये लड़की आज से आप लोगों के साथ ही रहेगी। ये लड़की तुम जैसी शरारती नहीं है। नई लड़की समझ के अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो मैं देख लूंगी। तुम बिल्कुल डरना नहीं, ओके? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आके मुझे कम्प्लेन करना, ठीक है? बैठो। अच्छा, सिटी में नहीं हो क्या? हाँ जी। अच्छा बता, तेरा नाम क्या है? मलिका शेरावत। नाम तो बॉलीवुड जैसा है, कपड़े क्यों टीवी सीरियल जैसे हैं? बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं। इस रूम में रहना है तो कम से कम क्वालिटीज चाहिए। पत्ता खेलना, दारू, सिगरेट वगैरह वगैरह, समझी क्या? एक मिनट। सिगरेट है क्या? बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड्स है। मुझे तो घंटे में एक चाहिए। घूमने फिरने से मुझे बोरियत होती है। मुझे तो सस्ती दारू बिल्कुल पसंद नहीं। खाना पीना कम से कम 5-star होटल में, वो भी मेरी बराबर वाले के साथ। यही है मेरा बायोडाटा। हेलो अरविंद, मैं तुम्हें आईमैक्स पे मिलती हूँ, ओके? बाय बाय गर्ल्स। क्यों भाई, आपको क्यों रुकना है? सड़क के किनारे एक बच्चे खून से लथपथ है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे अच्छा ही तो है, ऐसे देख के जा रहे हैं। हेल्प करने जाएंगे तो पुलिस का या कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा। ऐसे कैसे बोल रहे हो? वो बच्ची मर सकती है ना। हर कोई ऐसे सोचने लगे तो ये समाज का क्या होगा? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो? अरे मुझे भी कोई नहीं देखेगा, मुझे तो लोग आकर अस्पताल ले जाएंगे, उस बच्ची के माँ बाप भी उसे देख लेंगे। आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? आप अपने काम से मतलब रखिए ना। चांदी, आज टेंशन में लग रही हो? जब मैं आ रही थी उस वक्त एक बच्ची का रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। बेचारी, कोई कदर नहीं कर रहा था, हॉस्पिटल ले जाने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा था, मेरा ऑटो वाला भी नहीं माना। बेचारी लड़की। कैसे हुआ ये? एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस को इन्फॉर्म किया ना? जी हाँ, इन्फॉर्म कर दिया। आप फर्स्ट एड दीजिए, इमरजेंसी वार्ड में लाइए। ओके। हाँ। घबराइए नहीं, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। ये मेरी बेटी नहीं है। आपके रिश्तेदार की बेटी है? जी नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, बस रोड में पड़ी मिली थी, पता नहीं कौन है।
बच्ची का खून बहुत चला गया है बेटा, अर्जेंटली ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, हमारे स्टॉक में नहीं है। तो मेरा खून लीजिए। आपका ब्लड ओ नेगेटिव है? नहीं। तो काम नहीं करेगा। जितना भी खर्चा होगा चलेगा, लेकिन आप खून जल्दी मंगाइए। मैं ब्लड देती हूँ। सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया एन, मौके पे खून दे के आप एक जान को बचा रही हैं। थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए। इस समाज में अभी तक मानवता जिंदा है ये साबित कर दिया है आपने। आप जैसे इंसानों की इस समाज को बहुत जरूरत है। बेटा बेटा, मलाड की बस यहीं आएगी ना? आती तो है, लेकिन यहाँ कोई बस नहीं रुकती, आप कैसे चढ़ेंगे? अच्छा, वो भगवान कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही देगा। हाय हैंडसम, लिफ्ट दोगे? सॉरी, आप बस में भी तो जा सकती हैं, ये लिफ्ट क्यों? आदमी देखो तो हीरो जैसा और मैटर जीरो जैसा। हेलो, देखिए, जहाँ तक हो सके दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, प्लीज, आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। बहुत देर हो गई बेटा, कोई बस आएगी क्या? अरे आई तो थी, दो बस आके चली गई। आप तो चढ़ नहीं पाए। आप तो किसी भी बस में चढ़ नहीं पाओगे। हमें परेशान मत करो अंकल, मलाड जाना है ना, मैं लेके जाऊंगा। आइए। ठीक है, बैठिए। ए, ज्यादा हीरो मत बनो, बड़ों की इज्जत करना सीखो, समझे क्या? हाँ, इडियट। कौन सी सीडी है? नई पिक्चर है क्या? आ, तुम ही देखो। सिल्वेस्टर स्टैलन की है? छे नहीं, वो फिल्म कौन देखेगा? ये ब्लू फिल्म है। क्या हुआ? वो तो जेंट्स देखते हैं ना, वो बीसी का जमाना, ये लेडी स्पेशल। अरे रुको, मुझे कुछ हो रहा है। तुझे क्या हुआ? तुम ये क्या पहली बार देख रही हो? तकिए को गले लगाओ। सुपर रहता है। अरे वो हो तो भी वेस्ट है, वो ये सब कहाँ देखती है? सीडी जल्दी लगाना। अरे लगा रही हूँ।
एक लड़का मुझसे प्यार करता है। सच्चा प्यार है पर नौकरी जायदाद नहीं है। दूसरे को मैं पसंद करती हूँ, सिग्नल दिया तो लाइन में आ जाएगा, पर उसके पास नौकरी है जायदाद नहीं है। तीसरे के पास नौकरी भी है जायदाद भी है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं है। इनमें से किससे शादी करूँ समझ में नहीं आ रहा। तीसरे से कर लेना। लेकिन लाइफ नहीं है ना। वो तो कोई भी दे देगा। इसे क्या हुआ जो सुबह से ऐसी है? कुछ तो हुआ है, गड़बड़ है, पर मुझसे मत पूछो। वो क्या है बताना। एक इसके पीछे पड़ा है, बट ये इसके बारे में डिसाइड नहीं कर पा रही है। लव, बाप रे, वो दलदल में मत उतरो, बाहर आना मुश्किल है। अरे तू चुप कर, इसके मन में क्या है हम पूछ लेंगे। ऐसा है, वो हीरो मदर टेरेसा के लेवल का है। एक बुड्ढे को बाइक पे लेके जा रहा था, उसने तो इसकी परवाह भी नहीं की, ना ही उसने इसकी तरफ देखा। छी, तू तो हर वक्त ऐसा ही सोचती रहती है। ए चांदनी, ये सच है क्या? असल में बात क्या है? बोलना बोलना बोलना। अरे बताना बताना। बोलना बोलना। कुछ नहीं हुआ, मुझे अकेले रहने दो प्लीज। हम सबको अपना दोस्त मानती है तो बोल, नहीं तो मत। बोलूंगी, तुम लोगों के अलावा और किसे बोलूंगी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नाम क्या है? कमल। खूबसूरत है क्या? हैंडसम ही नहीं, मन से भी बहुत अच्छे हैं। उनसे शादी करने वाली कोई भी लड़की भाग्यवान होगी। ये क्या, प्यार भी करती हो और अपनी किस्मत पे भरोसा भी नहीं करती? हाँ रे, हम जो सोचते हैं वो सब पूरा होगा, गारंटी क्या है? क्यों नहीं होगा, देखना तेरा लव जरूर सक्सेस होगा। ऑल द बेस्ट। ना 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 ना। हेलो, कौन चाहिए? चांदनी है क्या? आप कौन है? बिन लादेन। ओ, आप है, थोड़ा होल्ड करिए। चांदनी, तुम्हारा फोन है। अच्छा, आपको जॉर्ज बुश ढूंढ रहे हैं ना? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं व्हाइट हाउस से बोल रहा हूँ, जाओ और चांदनी को बुला के लाओ। बिन लादेन बोल रहा है, गोद में बच्चे को रखकर जैसे पूरे गांव में ढूंढ रहा है। बुश बिन लादेन को व्हाइट हाउस में रखकर पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है। हेलो चांदनी, मैं बोल रहा हूँ। ओ, आप है। अच्छा, ये बात है तो आप आवाज भी पहचानती हैं। दरअसल आपको ये नंबर कैसे पता? चाहने वालों का नंबर पता करना कौन सी बड़ी बात है। तो कल शाम आप मुझे पार्क में मिल रही हैं ना? मैं नहीं आ रही हूँ। भाई, हम आपकी राह देखेंगे, आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ए, शाम को पार्क में बुला रहा है। उस दिन बहुत अच्छा आदमी बोली थी, अब पार्क में आने को बोल रहा है। बोलती हूँ जरा संभल के। अरे तू चुप कर, 10 साल पहले कोई पार्क में जाता था क्या? अब जाते तो क्या गलत है? आजकल की तो लव स्टोरी बहुत फास्ट हो गई है। लेकिन चांदनी, जल्दी में कोई कमिट मत करना। हमें पटाने के लिए लड़के बहुत झूठ बोलते हैं, उनकी बातों पे यकीन मत करो। तो अब मैं क्या करूँ बोलो? जाओ, पहले क्या बोलता है सुनो। अगर उसकी बातों में सच्चाई है तो ग्रीन सिग्नल दे दो, उसके बाद एक दूसरे को गले लगा लेना। बहुत टेंशन में लग रहे हो। वो मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। क्यों नहीं आती, फ्रेंड है इसलिए आई हूँ। ओह, आई सी। क्या बात है बोलो। वो क्या है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ कैसे बोलूँ ये सोच रहा हूँ। क्या बोलना चाहते हो? आई लव यू है ना? आई लव यू नहीं, शादी भी करना चाहता हूँ। इतना इजी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। क्यों? जहाँ तक मैं जानती हूँ, हर लड़का लड़की प्यार में जरूर फंसते हैं लेकिन शादी तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि प्यार करना कोई आसान काम नहीं है। शादी करके जिंदगी भर साथ रहोगे, इसका क्या भरोसा? ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो प्यार करने के बाद शादी करके खूबसूरत जिंदगी बिता रहे हैं। दरअसल तुम मुझे समझी नहीं। मैं जानता हूँ
हमारी शादी में बहुत सी मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन मेरे माँ बाप मुझ पर पूरा विश्वास भी करते हैं। वो जानते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे उन्हें जरा भी दुख पहुंचे। मैं जहाँ पैदा हुई हूँ तुम शायद नहीं जानते हो। एक आंटी मुझे लेकर आई, उन्होंने मुझे पाला पोसा, माँ का प्यार दिया। अगर आपके माँ बाप शादी के लिए मान भी गए तो दहेज के लिए सताना, उसके लिए रुलाना सब शुरू हो जाएगा। तुम जैसा सोच रही हो मेरे माँ बाप वैसे नहीं है। जानती हो क्यों? उन्हें अच्छे बुरे की पहचान है। पैसे से ज्यादा वो इंसान को अहमियत देते हैं। हाँ, अगर तुम गारंटी मांगोगी तो वो तो मैं नहीं दे सकता। हाँ, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सच बोल रहे हो? हाँ, शायद ये ऊपर वाले की ही मर्जी है। मुझे थोड़ा वक्त सोचने के लिए दो। मेरा चाहूंगा तुझको सदा, मेरा भी है ये।
नाम गोत्र बता दो। गोत्र नहीं जानती, नाम जान ली। जन्मदिन मुबारक हो। किसे कह रहे हैं? किसे क्या, आपको बोल रहा हूँ। मेरा जन्मदिन आप कैसे जानते हैं? इससे पहले कोई करपति तुम दोनों के नाम की अर्चना करवा के गया था। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार विदायिनी कलभिकार सिद्धार्थम उपायं ब्रूहि यत्रतः शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलव सर्वेष्ठ साधनम मया तवे विस्नेहानापमस्ति प्रकाशते ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। किसका? तुम्हारा। मेरा बर्थडे मुझे ही नहीं पता, तुम्हें कैसे पता? 10th क्लास के सर्टिफिकेट में देखा। ओ अच्छा, सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ चाहिए था, इसलिए कोई भी डेट डाल दी। कहाँ जन्मी, किसने पैदा किया, कौन मेरे माता पिता है, मैं नहीं जानती। ओह सॉरी चांदनी, परेशान मत हो, ऊपर वाला सब देखता है, सो डोंट वरी। एक बात बोलूं, मेरे लिए तो माँ जी पैदा हुई छोटी सी बच्ची हो। अब बस करो, वो ठीक है, सिर्फ बर्थडे विश करोगे या फिर कोई गिफ्ट भी लाए हो? हाँ वो तो लाया हूँ। किधर है? मैं ये सोच रहा था कि इस खूबसूरत चांद को मैं कौन सा गिफ्ट दूँ। हाँ पर आप जैसी खूबसूरत बला के लिए गिफ्ट तो लाना ही था, ये है आपका गिफ्ट। ये कौन है? कोई जानी पहचानी लगती है। हाँ जान पहचान की ही है, ये फोटो मेरी है। हाँ मेरी ही है। ये फोटो किसकी है? ये तुम हो, am I right? हाँ। तुम और मैं शादी करने के बाद 60 साल के होने के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, ये सोच के ये लाया हूँ। बाप रे बहुत अच्छी है। ए चांदनी, तुम हमेशा ऐसी ही रहना, इस हंसी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है अब बस हुआ, मुझे भी जाना है, वहाँ सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है चलिए। ओके। कहाँ से आ रही हो? फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गई थी। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड? वो यही है ना। तुम पे भरोसा करने का मुझे अच्छा सिला दिया। तुम लोगों को अनाथ समझ के तुम्हें पाल पोस के मैंने आज इतना बड़ा किया ताकि तुम बॉयफ्रेंड के साथ घूमो। वो नहीं आंटी। तुम कुछ मत बोलो, आज से तुम लोगों का जो भी मन करे उसके साथ जाके कहीं भी आराम से घूमो, अब तुमसे कोई नाता नहीं। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैंने गलती कर दी है, मुझे मारिए कोसिए लेकिन मुझसे बात नहीं करोगी, ऐसा मत बोलिए। क्या करता है वो? नाम कमल है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। आपसे पूछ के हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई। कैसा है वो? वो बहुत अच्छा है मैडम, चांदनी तो आपको सब बताने ही वाली थी पर हमने ही उसे बताने से रोका। जैसा तुम सब बोल रहे हो उससे तो यही लगता है कि वो अच्छा है, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। नमस्ते आंटी। बैठिए। मेरा नाम कमल है, मेरा गांव अमरावती में है, यहाँ से थोड़ी दूर पर। मुझे तुम्हारा नाम पता नहीं चाहिए, सच में चांदनी से प्यार करते हो क्या? जी हाँ। शादी करोगे? प्यार किया है तो शादी भी करूंगा। शादी के बाद कोई तकलीफ दी तो? आंटी आप जैसा सोच रही हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मेरा प्यार सच्चा है, मैं जिंदगी भर चांदनी को प्यार करता रहूंगा। चांदनी का दिल बहुत ही कोमल है, उसे कोई तकलीफ मत देना। उसके बिना मेरी जिंदगी भी बिल्कुल वीरान है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं चलता हूँ। लड़का बातों से तो अच्छा ही लग रहा है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी, पर जरा ध्यान रखना, लड़के चिकनी बातें करके वश में कर लेते हैं। नहीं वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। अब तुम कह रहे हो कि वो अच्छा लड़का है तो? अच्छा लड़का है तो? अच्छा है तो अच्छे दिन लगन कराऊंगी।
अरे उधर ठीक से सफाई कर। जी सर। अरे सुनना। जी साहब। ये ले, इसको अच्छे से धोके डिब्बे में रख, कोई पूछेगा तो देना। साला घटिया आदमी, इस्तेमाल की हुई टूथपिक को फिर से धोके यूज करेगा। देख बेटा, मैं तुझे ही दूंगा ये। साहब हाँ। ये लुंगी लेके टॉवल दीजिए। आपने बुलाया आंटी? हाँ, पंडित से बात हो गई, अब कमल को फोन लगाओ। हेलो। मैं रमा बोल रही हूँ, कैसे हो? जी ठीक हूँ। हाँ कमल, कल 4 तारीख का शुभ दिन है, अपने माता पिता को ले आओ, शादी की बात करेंगे। ठीक है आंटी। अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। हाँ चांदनी, तुम्हारी शादी नजदीक आ रही है तो जरा अच्छा खाना खाना। क्यों? क्या है कि वो जरा मजबूत है तो तुम्हें भी उसके बराबर मजबूत होना पड़ेगा ना। आप भी आंटी। कौन चाहिए बेटी? कमल के रूम पर टॉयलेट का बोर्ड क्यों लगा है अंकल? कल शाम को ही खाली करके गया बेटी। इतनी अर्जेंटली क्यों खाली किया गया? मैं कैसे बता सकता हूँ, फिर भी मैंने पूछा क्यों रूम खाली कर रहे करपति? कहा कोई लव प्रॉब्लम है, अब से यहाँ नहीं आऊंगा कह के चला गया। किसी लड़की ने धोखा दिया होगा, बहुत दुखी होकर चला गया बेटी। जुड़वा में रंबा ने पहनी ड्रेस मेरी कॉपी की थी, सारी कॉपी करती है। इसे क्या हुआ? ए चलो देखते हैं, देखते हैं क्या हुआ। चांदनी क्यों रो रही हो? कमल के घर गई थी, रूम खाली करके चले गए, अब नहीं आएंगे कहकर गए। बोला था ना, सब मर्द ऐसे ही होते हैं, पार्क में बुलाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, शादी का नाम लो तो गायब हो जाते हैं। तुम रुक जाओ, तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? अरे अब क्या करना है वो सोचो। इसमें क्या हुआ, कोई और मिल जाएगा, कई लड़के मिल जाते हैं। अरे सब ऐसे क्यों खड़े हो, क्या हो गया? कमल रूम खाली करके चला गया है मैडम, अब कभी वापस नहीं आएगा ऐसा कहा है उसने। आपके लाख मना करने पर भी मैंने कमल से प्यार किया, ऐसा भी हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। चुप हो जाओ चांदनी, जब भी किसी पे प्रॉब्लम आती है तू उसे सलाह देती है ना, अब तो खुद ही हिम्मत हार रही है। तू दुखी मत हो, वो कहीं भी होगा उसे मैं तेरे लिए ढूंढ के लेके आऊंगी। अरे सुनो, इसे जरा ध्यान से देख लो, ये कहीं भी नजर आए तो इसे मेरे पास लेकर आओ, समझ गए ना? हाँ समझ गया मैडम, चलो चलो चलो, चलो। बेटा कमल, मैं भी देखती हूँ कि तू कहाँ छुप कर बैठा है। ये एक बार के लिए परमिशन दीजिए मैडम। एक बार नहीं बोला तो बोला ना, एक बार तेरी बात सुनी अब नहीं सुनूंगी। प्लीज मैडम। समझ आ गया? प्लीज मैडम।
कमल, मेरे पेरेंट्स। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आपकी चांदनी का हाथ मांगने आए हैं। बहुत खुशी हुई, तुमने तो डरा ही दिया था। मेरा बेटा बचपन से ऐसा ही है, शरारती है बहुत। मैं जानती हूँ शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा। तेरे लिए उस पगली ने दो दिन से खाना भी नहीं खाया है, बस रोए ही जा रही है, बहुत परेशान है बेचारी। ये बात है। अरे चांदनी, मैंने तो बस तुमसे थोड़ा मजाक किया था, तुम इतनी सीरियस हो जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आपने कोई मुहूर्त देखा क्या? हमने सब देख लिया है। हाँ? अब तो बस शादी करनी है। मुझको यूं जला, अपनी आंखों से देख ले राजा रूप ये मेरा खिला खिला। तू डाल दे अपनी तिरछी नजरिया छलिया, आ पास तू आजा आजा मेरे छलिया। रंग क्यों है तेरा उड़ा उड़ा, मर्द है तो मुझको जरा पटा। आ पास तो मेरे पास तू आ, मेरी भी दिल की लगी बुझा जा। चलेगा चलेगा ये है इश्क का जमाना, करेगा करेगा हर दिल को दीवाना। चलेगा चलेगा ये है इश्क का जमाना, करेगा करेगा हर दिल को दीवाना। मिले 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 मिल गए रास्ते प्यार के, मिल गए। चले 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 दो जवां हम सफर चल दिए। आशिक है मैं तेरी चाहत हूँ, तू मेरा अरमां है मैं तेरी राहत हूँ। तू मेरी किस्मत है मैं तेरी किस्मत हूँ, तू मेरी
जन्नत है मैं तेरी जन्नत। दिल से दिल से दिल से यारा दिल से इश्क है इश्क है इश्क है यारा तुमसे। हाय 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 हाय। सुख के सब है साथी दुख में कोई न साथी। सुख के सब है साथी सब है साथी सब है साथी। प्यासी है रैन आए न चैन कैसा ये रोग है तूने लगा दिया। मुझे अपना सताना न सताना ये रोग प्यार का सबसे बुरा है नहीं कहीं भी इसकी दवा। ये रोग प्यार का सबसे बुरा है नहीं कहीं भी इसकी दवा। खट्टी मीठी है ये तड़प सैया खट्टी मीठी है दिल दीवाना रूप तेरा है मस्ताना। चाहूंगा मैं बनके परवाना कहे मेरा दिल दीवाना रूप तेरा है मस्ताना। चाहूंगा मैं बनके परवाना। सजना 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 हाय तेरी बातें मीठी बातें तीखे तीखे वार से लूटती है प्यार से। हो गई मैं तेरी साजन सजना हाय तेरी बातें मीठी बातें। हे आचार्य आचार्य लिंग बैंड बाजा हो साजन जाननी। हर लड़की को अपने मायके से शादी के बाद ससुराल जाना ही पड़ता है। हाँ अपनी चांदनी के बिना हॉस्टल की कल्पना करते ही बहुत दुख हो रहा है। सुनिए मैंने इसे सगी बेटी की तरह पाला है अब आज से ये आपकी बेटी हुई आप ध्यान रखिए इसका। बताइए तो ये भी कोई कहने की बात है इसे हम अपनी सगी बेटी की तरह रखेंगे। अब हम निकलते हैं देर होगी तो मुश्किल होगी। देखो बेटी अच्छे सास ससुर मिलते हैं तो अच्छा पति नहीं मिलता। अच्छा पति मिलता है तो अच्छे सास ससुर नहीं मिलते। पर तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है और तुम्हारे सास ससुर भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। अपना ध्यान रखना गुड लक। अब चले क्या? बाय बाय बाय। लक्ष्मी जैसी है। नाम बोलो भांजे। चांदनी। पति का नाम बोलो बेटी। कमल।
घर में प्रवेश करो बेटी। अरे आधा ही है, बाकी खा लिया क्या? साहब हमको खाना खा के 3 दिन हो गया, हमको भी कुछ खिलाओ ना। तू फिकर क्यों कर रहा है, तेरे लिए लाया हूँ ना। ये ले, ये खा। ये क्या, घास? हमारे आंगन की है, अभी काटी है। ये कैसे खा सकते? ए, यही खा के बड़े बड़े जानवर जिंदा रहते हैं, समझा? छी, बेकार जिंदगी। किसकी? हमारी। वो तो मुझे पता चल गया, तो जेल जाना बेहतर है, 3 टाइम खाना तो मिलेगा। अरे वहाँ जाना इतना आसान नहीं है रे, कुछ करना पड़ता है, मर्डर या एक्सीडेंट, छाती में भोंकना, पीट में भोंकना। याद आ गया। क्या याद आया? क्या करना है याद आ गया। अच्छा चल, अब याद आया नालायकों को। ए तुम लोग अपना खाना भूल गए? अरे अरे क्या कर रहे हो? जेल जाना है तो मर्डर करना पड़ेगा, अब तेरे ही मर्डर करके जेल जाए। अरे 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 क्या हुआ जीजा जी? अरे इनसे पूछो क्या हुआ रे। दांत धोने को पेस्ट दिया तो ब्रेकफास्ट समझ के खा गया लफंगा। हम काम करने वाले लोग हैं, इसकी तरह बेकार नहीं है, बेकार जिंदगी। किसकी है रे? तेरी। और क्यों जीजा जी, क्या हुआ? सब तो देख लिया फिर भी पूछता है। वे, 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 वे। आप अभी तक नहीं बदले? मैं क्यों नहीं बदला, ऊपर शर्ट पहनता हूँ नीचे लूंगी। दांत साफ रखता हूँ, ले तू भी साफ कर। क्या बिना खाए साफ करूँ? खाना देना पड़ेगा क्या? आपकी जिंदगी को प्रणाम करता हूँ। अच्छा मेरी दीदी तेरे प्यार में मर गई तो भी मैं भांजे के लिए आया हूँ। मेरे भांजे कहाँ हैं? आजकल स्कूलों में दोपहर के खाने की व्यवस्था है, उसमें एडमिशन लेना है। क्या क्या पेपर्स लगेंगे कुछ पता है? क्या तुम उन्हें भीख मांगने के लिए भेजा? आइडिया तो अच्छा है। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, कोई सुनेगा तो उसे शर्म आएगी। क्या बेटा टिफिन लाए हो क्या? पापा छुट्टी है ना, संडे है। ये रविवार की छुट्टी भी। अरे चुप करो जीजा। अरे बेटा वो सुभाष होटल के महीने भर का पैसा भरा था, तू जाके वहाँ खाना खा लेना। खाना खाएंगे चलो साले। मैं भी जीजा। कहाँ जीजा? सुभाष होटल को पैसा भरा था ना। मामा के मुँह में बाद में पानी डालेंगे, चलो हम खाना खा के आते हैं। भाभी वो शास्त्री जी की बहू है, कितनी सुंदर लग रही है ना। दोनों की जोड़ी बिल्कुल सीता और राम जैसी है। वो लोग कौन है मालूम? अपने शास्त्री जी का बेटा और बहू। हाँ हरिहर शास्त्री जी के परिवार के लायक है, देखो कितनी अच्छी वेशभूषा है। मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। एनर्जी ड्रिंक लाऊं? पीने वाली नहीं, बस एक छोटी सी किस। दो ना प्लीज। पहले कॉफी, उसके बाद नहाना, उसके बाद सब कुछ। ए सुनो, ए हेलो, ए हेलो, ये क्या हो रहा है? बस एक केस चाहिए। अरे खाना पकाना है जाओ। अरे वो माँ पका लेंगी। इतने दिन खाना पकाया बस। सासु माँ आ रही हूँ बेटी। अरे तू रसोई में क्या कर रहा है? वो माँ मैं तेरी बहू को खाना पकाने में हेल्प कर रहा हूँ। अब तू हेल्प करेगा, मुझे मत समझा, चल बाहर जा। ये क्या सासु माँ, मेरे आने के बाद भी काम करोगी? ये सब करने के लिए तुझे अभी वक्त है, अभी जा। अरे माँ कह रही है अब चलो भी। मैं सासू माँ से खाना बनाना सीख रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। माँ
क्या हो गया बेटी? मैंने कहा था ना, जा इधर ही खड़ा है, जा। पर माँ। जा यहाँ से, मैंने कहा बस। अश्विनी, भरनी, रोहिणी, कृतिका सब गुण है शास्त्री जी उसमें। आने वाली 14 तारीख को भरा पूर्णिमा के दिन 11:30 बजे रात को दोनों का मेल करा देते हैं। कहिए क्या कहते हैं? साहब तो मुझे इजाजत है। ये लीजिए। जय राम जी की। Thank you.
तन चुम मन की प्यास बुझाओ जी, आज करेंगे बातें मन की पूरी करेंगे हम कसम, दूरियां सारी मिट जाएंगी ऐसे मिलेंगे आज हम, कसम साए प्यासी जवानी कैसी लागी ये लगन, फूल खिला दो प्यार के ऐसे खिल जाए मन का चमन, मुझको अपनी संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठन रशादूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठन रशादूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु, मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्यमूर्ते, श्रीस्वामिनिश्रित जनप्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम्। बेटा उठो। बेटा उठो, क्या हुआ बेटा, उठो बेटा, क्या हुआ तुझे बेटा, बेटा उठो, उठो बेटा, बेटा 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 उठ जा, उठ जा बेटा। ए, ये लड़की तो अंधी है। बस फिर ए, चल दीप पे बिठा इसको। ए, बचाओ, मुझे मुझे जाने दो मुझे, बचाओ। ये क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो।
नहीं। ए, राम, परशुराम, परशुराम आईपीएस, हाल निकाल डालूंगा। चलो 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 भागो यहाँ से, चलो जल्दी चल 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 निकल। उठो बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपने मेरी इज्जत बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा दान धर्म करने वाले शास्त्री जी के साथ ऊपर वाला ऐसा करेगा, ये सब क्या हो गया शास्त्री जी? अकेला बेटा था, बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला, हंसता खेलता रहता, लेकिन आज अचानक ये सब कैसे हो गया? शास्त्री जी, आपके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के बारे में शक करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मरने की वजह क्या होगी डॉक्टर साहब? ये बात हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। इतने साल के मेरे एक्सपीरियंस में बहुत से केसेस देखे, लेकिन ऐसा अजीब केस अभी देख रहा हूं। वैद्य विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली है, लेकिन साइंस के बाहर अजूबे होते रहते हैं। मेरे ख्याल से कोई अद्भुत शक्ति से ही हम इस केस से बाहर आ सकते हैं। मिस्टर परशुराम, आपके चार्ज लेने के बाद इस शहर का क्राइम रेट कंट्रोल में है। अब तो गुंडे लफंगे आपका नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। आप जैसा सिंसियर ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूं। थैंक यू सर। कमल नाम का एक आदमी अपनी सुहाग रात को मर गया, पोस्टमार्टम में कुछ पता नहीं चला, अब तक कोई सबूत भी नहीं मिला है। ये केस बहुत ही डिफिकल्ट है और चैलेंज है आपके लिए। आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। ओके सर, आई विल डू माई बेस्ट। दक्षायणी, दक्षायणी, आंखें बंद करती हूँ तो मुझे अपना ही बेटा दिखता है, मेरी आंखों के सामने ही घूमता रहता है वो। रो मत दक्षायणी, ऐसे ही समय धीरज रखना है। अकेला बेटा था, बेचारा शादीशुदा जिंदगी जीने से पहले ही परलोक सिधार गया, अब हमें कौन सहारा देगा? वो भगवान ही सहारा है। इसे हमने सहारा दिया ना, इसी को अपना बेटा समझो। हम जैसे बहुत सारे लोगों को आपने सहारा दिया है, मुझे अपना बेटा ही समझिए आप लोग। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, कोई काम है तो बताइए। कोई भी काम? कुछ भी काम चलेगा साहब। तनख्वाह कितनी लेगा? अरे तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए साहब, बस काम मिल जाए। ऐसा क्या? बस एक बार काम मिल जाए। इतना कॉन्फिडेंट? जी हाँ। काम अच्छा करोगे ना? आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए काम की। फिर खाना ज्यादा खाओगे? अरे नहीं नहीं नहीं, एक चम्मच खिचड़ी बहुत है मुझे। और दोपहर को? दोपहर में भी वही एक चम्मच खिचड़ी बहुत हो जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी मिल गया। आओ अंदर आओ। हाँ हाँ, मेरे यहाँ लोग काम करने के लिए मरते हैं। मैं भी मर के ही आया हूँ, मेरा मतलब है मार खा कर आया हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? मेरे यहाँ लोग 6 महीना या 7 महीना काम करेंगे कहते हैं और एक ही दिन में भाग जाते हैं, इसलिए तू मुझे 1,00,000 रुपए बाकी है कहके एग्रीमेंट लिख देना। लिख देना? हाँ लिख देना। अगर तू काम करता रहा तो ठीक है, अगर तू भागा तो वो लाख रुपए तुझसे वसूल करूँगा। ठीक है चलेगा। हाँ पर साहब, हाँ मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। बोलो। अगर आपने मुझे काम छोड़ने के लिए कहा तब क्या? ऐसा तो होगा ही नहीं। मान लो फिर भी अगर आपने ऐसा कहा तो? बाप रे इतना कॉन्फिडेंस। ठीक है देखते हैं। पहले आप एग्रीमेंट बनाइए। ठीक है। लेकिन साहब, आप एग्रीमेंट में लिखवाइए कि मैं आपकी कोई बात को टालूंगा नहीं और आप मुझे भगाएंगे नहीं।
बहुत ज्यादा बोल रहा है, मेरे पास काम करते वक्त तेरी जान निकल जाएगी, समझा? ठीक है, है। लेकिन सुनिए, एग्रीमेंट बनने तक मैं क्या करूँ, कुछ काम तो बता कर जाइए। एक काम करो जी, इस घर को अच्छे से धो के पोछा मारो, बस इतनी बात, ये तो मैं फटाफट कर लूंगा। अच्छा सुनिए, ये करने के बाद मैं फटाफट खाना बना लूं क्या? अरे ऐसे खर्चे की बात मत करो, मेरा दोपहर का खाना स्कूल से आता है, तुम्हें भी एक स्पून दे दूंगा। स्कूल से आएगा खाना? हाँ मैं ही हूँ। अरे ये सब क्या है, तुम्हारे चेहरे की रोशनी कहाँ गई? इस चांदनी की रोशनी बिना चांद के कैसे हो सकती है? चांद हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अमावस की गहरी काली रात के बाद ही चांद पूरा खिलता है। देखो तो मेरी चांदनी तो हमेशा की तरह हंस हंस कर रोशनी बिखेरती रहेगी। अच्छा एक बार हंसो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और जोर से हंसो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हंसती रहो, बिल्कुल ऐसे ही। दक्षिणी रहने दो, रोने दो उसे, एक बार जब रो लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। हाँ हम क्राइम ब्रांच से आए हैं। हाँ। ये हमारे बॉस परशुराम आईपीएस। नमस्ते। मैं इंस्पेक्टर राधिका हूँ। आपके ऊपर जो गुजरी है उसके लिए बहुत अफसोस है। जो कुछ हुआ वो भगवान की इच्छा थी, हम क्या कर सकते हैं? इस केस के बारे में कुछ जानकारी लेने आए। आप इसमें क्या जानना चाहते हो, सब कुछ तो पता ही होगा। अगर कोई भी कल्पना नहीं किया एक घटना घटी है तो उसकी वजह जानना हमारी ड्यूटी है। ठीक है बताइए। चांदनी हमारी बहू, उनसे एक बार बात करनी है, बुलाएंगे? जी नहीं, मुझसे पूछिए मैं बता दूंगा। आपके बेटे को जिंदा रहने के वक्त आखिरी बार देखने वाली वो है, उसके लिए उससे बात करनी है। क्या बात करेंगे? असल में क्या हुआ कह के बात कर रहे हैं? चांदनी का और मेरी बेटी की मौत का कुछ संबंध है कह के सुराग निकालना चाहते हैं? आप गुस्सा मत होइए, आखिर जो हादसा हुआ है उसकी वजह जानना हम सबके लिए भलाई है। शक दूर करने के लिए तुम्हारे कहने पर अभी तक मेरे बेटे को पोस्टमार्टम के नाम पर जैसे जी चाह काटा, बताइए क्या निकला? बिना कोई वजह मेरा बेटा मर गया कहकर आप सुराग ढूंढ रहे हैं, बताइए और क्या परिशोधन करेंगे? शास्त्री जी एक बार चांदनी से पूछेंगे तो गलत क्या है? क्या गलत है आप नहीं समझेंगी, एक लड़की जिसने पहली रात में ही अपने पति को खो दिया उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी सोचा? जो जख्म हुआ है उस पे क्यों नमक छिड़क रहे हो? देखिए हमारी ड्यूटी हमको करने दीजिए, जाओ।
हाय चांदनी, मेरा नाम राधिका है, सीआईडी इंस्पेक्टर। कमल के केस के बारे में आपसे कुछ पूछना है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, इन हालातों में आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन ड्यूटी तो हमें करनी होगी ना। प्लीज कोऑपरेट विद अस। पहली रात कैसे बीती? खुशी से बिताई थी? वो बीमार वगैरह तो नहीं थे? वो बहुत तंदुरुस्त थे, बहुत खुश रहते थे। रात कितने बजे तक जागे थे? 4 बजे तक। पहले कौन सोया था? मैं। अच्छा, उन्होंने आखिरी बार आपसे क्या कहा था? I love you. सॉरी चांदनी। क्या सर, सीरियसली सोच रहे हैं चांदनी के केस के बारे में? शक्ल से तो वो मुझे दोषी नहीं लग रही थी सर। दोषियों के चेहरे भोले ही होते हैं। मेरे ख्याल से उस घर में शक करने का व्यक्ति चांदनी ही है। सारे सवाल कर लिए, फिर भी कोई क्लू नहीं मिला सर। कल एक बार हॉस्टल में जाके कोई क्लू ढूंढ कर आते हैं। यस सर। बेटी चांदनी, कहाँ जा रही हो? जिधर से आई थी उधर जा रही हूँ। देखो बेटी, औरत दहलीज दो ही बार पार करती है। पहली बार मायके से ससुराल को, और दूसरी बार इस घर में आप लोगों की तकलीफ मैं नहीं देख सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। इस उम्र में हमें छोड़कर जाओगी बेटी? नहीं सासू माँ। देखो बेटी, बुढ़ापे में सहारे के लिए बेटा होगा सोचा था, लेकिन वो बेटी, हम तुझे रोके ऐसा तो हम भी नहीं चाहते। अब हमारे लिए बहू तो तू ही है ना, और हमारे लिए तो अब तू ही हमारी इकलौती बेटी है। तू हमारी बहू नहीं, बेटी है। परशुराम आईपीएस क्राइम ब्रांच। नमस्ते। नमस्ते। चांदनी शादी से पहले आपके हॉस्टल में ही रहती थी? हाँ। चांदनी बिहेवियर में कैसी थी? शी इज वेरी गुड गर्ल। मेरे 20 साल की सर्विस में इतना अच्छा बर्ताव करने वाली लड़की मैंने कभी नहीं देखी। पता नहीं भगवान ने उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों की। आई सी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, हमेशा हस्ती खेलती रहती थी वो। उसका बॉयफ्रेंड था क्या कोई? था, उसी से उसने शादी की। आप में से चांदनी की बेस्ट फ्रेंड कौन है? हम सब उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसका हस्बैंड फर्स्ट नाइट के दिन ही मर गया था। उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? पर वो तो बचपन से ही यहाँ पली बड़ी है। इस हॉस्टल में आने से पहले किसके पास रहती थी? उससे पहले? बिना संकोच बताइए, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आएगा। ये बहुत दुख की बात है और अजीब सी बात है। यहाँ जितनी लड़कियाँ रहती हैं, सबसे मिलने कोई ना कोई तो आता था, पर उससे मिलने कभी भी कोई नहीं आया। वो कहाँ पैदा हुई है ये हमें नहीं पता। आई सी। चांदनी को हमें भगवान ने ही दिया। उसने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, हमेशा सबका हंस के साथ दिया। कमल चांदनी के पीछे पड़ा था या चांदनी कमल के पीछे पड़ी थी? कमल ही चांदनी के पीछे पड़ा था। हम सारे फ्रेंड्स उसको फॉलो करने की बहुत सोचते थे। सबकी प्रॉब्लम्स को वही सॉल्व करती थी, और उसी को इतनी प्रॉब्लम आ गई। आई सी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। फिर मिलेंगे। वेलकम सर। Thank you.
साहब साहब कोई काम है तो बताइए। अबे ये भी नहीं करने देगा क्या, जरा वेट कर। अच्छा अच्छा मैं यहाँ पे इंतजार करता हूँ, आप आराम से अपना काम कीजिए। हो गया साहब, हो गया साहब। साहब 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 कोई काम है तो बताइए। ये आरती ले ले। नहीं नहीं इसके अलावा कुछ बताइए। क्यों बेटी चांदनी, श्री शलम को नहीं आ रही हो? मैं क्यों ससुर जी, आप जाकर आइए। नहीं बेटी तुम भी चलो, मन को शांति मिलेगी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है ना इसलिए। अरे अब भी मन ठीक नहीं है बोलती है। देखो बेटी अकेले घर में रहोगी तो बुरे विचार आएंगे, तुम्हें बाहर घूमकर अच्छा लगेगा, मेरी बात मानो चलो। चलो ना बेटी। क्या रे सब सामान अंदर रखा ना? जी शास्त्री जी, बैग सारे पीछे सीट में रखे हैं और पीने का पानी आगे सीट में। अच्छा, हमारे श्रीशैलम से आने तक तुम्हें एक और काम करना है। वो क्या शास्त्री जी? चांदनी बहुत दुखी है, तुम्हें उसकी देखभाल करनी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक आप लौटेंगे तब आप चांदनी जी को पूरा बदला हुआ पाएंगे। अब इतना भी मत बदल देना। आओ चलो। कमल केस के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है सर, मुझे तो लगता है इस केस को बंद कर देना चाहिए सर। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। एक बार डॉक्टर साहब को तो फोन करो। क्यों सर, तबीयत खराब है क्या? शट अप, मैं अपने लिए डॉक्टर को फोन नहीं करवा रहा हूँ। सॉरी, कुछ भी बोलती रहती हूँ कमल के केस के बारे में। वो बात है।
क्या कहा डॉक्टर साहब मर जाएगा? आखिरी स्टेज में है और जो मैंने पैसे दिए थे वो? अरे नहीं, मरने से पहले साहब मुझे कुछ काम बोलिए। मैंने जिसे उधार दिया था वो मर गया, उसे वसूली करके आओ। नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये आप ही कीजिए। अरे मेरे 50,000 रुपए देने के बाद मरने को कहो उसे। मर गया? आजा मेरी रानी, आजा आजा, बहुत दिन हो गए हैं। साहब। अरे जा। साहब क्या है रे? कुछ काम है तो बोलिए। अरे मैंने ही बहुत दिनों से काम नहीं किया है, तू करेगा क्या? आजा। नहीं नहीं नहीं, ये काम आप ही कीजिए।
ये सफर अब मुझसे नहीं होता जी। सालिग्राम, सालिग्राम, जाकर वो सामान लेकर अंदर आओ। शास्त्री जी, शास्त्री जी, सालिग्राम मर गया, उसकी लाश गांव में मिली है। सालिग्राम मर गया? क्या कहाँ है वो? उधर गांव में। चलो। सालिग्राम कितने समय से आपके यहाँ काम कर रहा है? वो नौकर नहीं है, बचपन में ही उसके माँ बाप चल बसे, तभी से मैं उसे पाल रहा हूँ, वो मेरे बेटे जैसा है। ओके, एनी क्लू डॉक्टर? ये तो मिस्ट्री जैसा है, पहले तो कमल, अभी सालिग्राम, बदन पे ना कोई जख्म और ना ही कोई जहर दिया गया है, सेम रिपोर्ट, कोई फर्क नहीं है। सर रिपोर्ट? हाँ लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। सुना क्या, शास्त्री जी के परिवार में आप शगुन मंडरा रहा है। हाँ देखो ना, पहले अपना बेटा मर गया, अब पाला हुआ बेटा भी मर गया। हाँ भाई, शास्त्री जी कोई बहू को लाए या कोई चुड़ैल को? हाँ देखो, उसके आने के बाद ही ये सारे अपशगुन हुए हैं। हाँ भाई, इस शहर में रहना अब तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ भाई, पता नहीं कब कौन सी आफत आ जाए यहाँ। बहुत उम्मीदों से तूने अपने बेटे की शादी की, पर वो पहली रात को ही मर गया। अभी इस बाधा से पूरी तरह निकला भी नहीं, और बेटा समझकर जिसको पाला वो भी मर गया। अड़ोस पड़ोस के लोगों के ताने सुनकर थक गए हो? क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, यही जानना चाहते हो ना? हाँ स्वामी, सपने में भी किसी की हानि ना सोचने वाला हमारे परिवार के बारे में आपको पता है, लेकिन मेरी बीवी की हालत बहुत बुरी है। छठवें पाद में गुरु शुक्र को विक्र दृष्टि से देख रहा है, इसीलिए तेरे परिवार में ये विपरीत अनर्थ हो रहा है। कमल और सालिग्राम दोनों की मौत एक जैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बता रही है। साइंस का तो पता नहीं, कोई अद्भुत शक्ति ही हमें परेशान कर रही है, इसीलिए आपके पास आया हूं स्वामी। और तेरी बहू? बहुत ही अच्छी लड़की है स्वामी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ही भगवान ने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। भगवान की लीला हमें समझ में नहीं आएगी। बहू को एक बार यहां लेकर आओ। सासू माँ। अच्छा खासा कब तोड़ दिया ना तूने कलमुही, ऐसी मनहूस सूरत है, कोई काम ढंग से नहीं होता है तुझसे।
अब ये कांच के टुकड़े उठा और पोछा लगा, किसी के पैर में लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। छी छी, कौन सी घड़ी में इस घर में कदम रखा था? जब से तूने इस घर में कदम रखा है ना, अनर्थ ही हो रहा है। पहले मेरे बेटे को खा गई, अब सालिग्राम मर गया। अरे पूरे शहर में सिर्फ तेरी ही निंदा हो रही है, कोई तेरा मुंह नहीं देखना चाहता है। लोग कहते हैं शास्त्री जी की बहू का मुंह मत देखना, बड़ी अपशगुन है वो। दो दो को खा लिया, ना जाने अब किसकी बारी है। तू यहाँ से चली जा, मुझे तो डर लग रहा है। दक्षायणी, मुंह बंद करोगी? इस बच्चे को कोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो तुम्हारी सगी बेटी है, तुम ही तो कहती थी। देखो, जो कुछ भी अशुभ हुआ है उसके लिए बहू की निंदा करना गलत है। ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं है। देखिए ना, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरी जैसी को जीना नहीं चाहिए। नहीं बेटी, ये गलत है। हर समस्या का समाधान मौत नहीं है। अब कभी ऐसी बात मत करना। तेरी सास तुझे माँ जैसा प्यार नहीं करती, लेकिन ये बाप तेरी देखभाल कर सकता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बेटी चांदनी, मुझे माफ कर दे, बेटी माफ कर दे। मैं गांव वालों के ताने नहीं सहन कर पाई, मैंने तुझे गालियां दे दी, लेकिन तू हमारी बेटी है और हमेशा हमारी बेटी ही रहेगी। मत रो बेटा, मुझे माफ कर दे, चल अंदर। La 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 आ बैठ बैठ। क्या है जीजा, बहुत मस्ती में हो? अरे बहुत दिनों बाद बिल्कुल सही नौकर मिला है। अरे बाप रे, तुम तारीफ करने वाला नौकर? वो दिव्य पुरुष कौन है, एक बार दिखाइए तो जीजा। ठीक है, बुलाता हूँ वैकंठम जी। साहब नमस्ते जी। नमस्ते। क्या जीजा, देखने में तो बिल्कुल लकड़ी जैसा लगता है। नहीं, ये बहुत फायदेमंद है। क्या? ये घर की जाली निकालने के लिए 4 आदमी को 1 दिन लगता था, इसको तो सिर्फ 1 घंटा। सिर्फ 1 घंटा? अरे वो कुछ नहीं, ये तो स्पाइडरमैन की तरह दीवार पे भी चढ़ जाता है। दीवार पर चलता है? अच्छा, इतना काम करता है? दिखने में तो शव जैसा है, खाने में हाथी जैसा होगा। अरे नहीं, सिर्फ 1 स्पून उपमा। उपमा? इसमें अलग दिख रहा है जीजा। मैं अलग नहीं हूँ, आपके जीजा उधर हैं। इधर उपमा लाओ रे। उपमा? हमने 4 दिन पहले खाए थे वो उपमा। नूडल्स, नूडल्स। नूडल्स? अरे बाप रे बाप जीजा, इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो? तुम इतना बदल गए हो, बोल के मेरी दीदी जानती तो कितनी खुश होती। ये बात सच है? अरे भला मैं क्यों खर्च करूं? बिना खर्च किए वो सब कुछ अरेंज कर रहा है। अच्छा, नूडल्स रेडी? रेडी। अरे जबरदस्त खुशबू आ रही है रे। जबरदस्त है रे, 5 स्टार होटल से लाया है। अच्छा दोपहर के लंच में क्या बना है? मेंढक की कड़ी। टर आंगन के ही है ना, वेस्ट क्यों करना है? मेंढक साहब सब बना रहा है। तू क्या सोच रहा है, तू नूडल्स खा रहा है? अरे ये अर्थवॉर्म है। मेरे साले को ये आदत है, जब भी आता है इसके होश खो जाते हैं। ये क्या साला है? मेरा नहीं, मेरा साला है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोल क्या है। मैं यहाँ पे अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा खाना पका रहा हूँ, आप खुश हैं मेरे से, ये बात आपको मेरी पत्नी को बोलना है जाकर। अरे एक बार क्या, मैं रोज जाकर बोलूंगा। थैंक यू। अकेली रहती है क्या? अकेली रहती है, एक ही बार आप जाएंगे तो बस। इतनी बुरी दिखती है क्या? जाएंगे तो पता चलेगा। कौन हो तुम? चांदनी। सच बोल, कौन है तू? मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है मूर्ख? कौन हूँ मैं नहीं जानता? क्या मुझे धिक्कार रही है? शिवानुग्रह प्राप्त हुआ है मुझे और तू मूर्ख कहती है?
क्षमा करो नाग देवता। क्यों माँ, ये गुस्सा क्यों? मैं मेरे प्रियवर के साथ नाग लोक से मृत्यु लोक तक आई हूँ। तीन लोगों ने मेरे प्रियवर को मार डाला, मूर्ख थे वो। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, इसीलिए मैंने चांदनी का भेस लिया। दो को पहले ही मार चुकी हूँ, तीसरे को इस पूर्णिमा की रात मार डालूंगी। तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। अनजाने से की हुई गलती की इतनी बड़ी सजा, ये कैसे माँ? गलती जिसकी भी हो, सजा भुगतना होगा। शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। वैसे किसको मारने वाली हो? सागर। आप इधर क्यों आए हैं? चांदनी को अरेस्ट करने के लिए। चांदनी को अरेस्ट? ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, सालीग्राम के डेड बॉडी के यहाँ खून की दाग में चांदनी के खून से ताल्लुकात है। इन्वेस्टिगेशन से ऐसा पता चला है, उसके लिए सबूत हमारे पास है। शी इज क्रिमिनल, इसलिए उसे अरेस्ट करने आया हूँ। वो नाग देवता है। सॉरी मिस्टर स्वामी जी, वो हत्यारिन है, उसे अरेस्ट करना हमारी ड्यूटी। वो प्रतिशोध से और एक को मारने वाली है, पहले वो अनर्थ रोकना है। अरेस्ट करके जेल में डालेंगे तो कैसे मारेगी? उसकी अपार शक्ति को रोकने की ताकत है आप लोगों के पास? आई कांट बिलीव दिस। आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है। आजकल के जमाने में मंत्रों से काम नहीं चलता है स्वामी जी। चुप रहो, देव शक्ति को ही शक्की नजर से देख रहे हो तुम। शट अप, बीच में आओगे तो तुम्हें अरेस्ट करूंगा। परशुराम जी, कृपा करके मुझे एक मौका दीजिए। स्वामी जी जो बोल रहे हैं आप यकीन नहीं कर सकते। आपकी बात अगर सच निकलेगी तो मैं खुद मेरी बहू को आपको सौंप दूंगा। ठीक है, एक मौका दे रहा हूं। नमस्ते जी, मेरा नाम धर्मराव है। ज्यादा दान धर्म करता हूं इसलिए यह नाम रखा गया है। गरबा दान तो बहुत ज्यादा किया है। आप वैकुंठम की बीवी है क्या? जी हाँ। हाँ, मैं वैकुंठम के बारे में बताने आया हूँ। उनके बारे में क्या बताने आया है? अरे वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा है तो अब क्या कर सकते हैं? ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? वैकुंठम तब तो कामकाज नहीं करता था, अब तो बहुत अच्छे से काम करता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारे घर में जबरदस्त खाना बनाकर बावर्ची का काम कर रहा है ना। वो तो चले गए। अरे कहीं नहीं गया, हमारे घर में ही है। उनको तो मरे 6 महीने हो गए। उधर देखिए। वैकुंठम, तू मर गया, तूने क्यों नहीं बताया? आपके जैसा ही सडन डेथ हुई। तेरी बीवी के साथ सेटिंग कर रहा था पर हो नहीं पाई। अरे सुनो वैकुंठम, मेरे जीजा को गए 3 दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। ऊपर आके 4 दिन हुआ, मेरे बाजू में ही है। तेरे बाजू में ही है? हाँ। कहाँ है, दिखाई नहीं देते? वो देखो वहाँ बैठा है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, तुझे कहाँ से दिखाई दे रहे? अरे भूत को ही भूत दिखाई देता है। भूत? हाँ, हम दोनों भूत ही तो है। तेरी दया से ये भी हमारे पास आएगा लगता है। आने दो। वनिता। क्यों री, कैसे पहचान लिया? बचपन से एक ही रूप में हो, मैं नहीं जानती क्या? वो ठीक है, क्या है ये अवतार? बिना पति की जिंदगी कैसी होगी? नॉनसेंस, अभी तक ये पुरानी बात है। हाँ, मेरी बात छोड़ो, तू यहाँ कैसे आई? औरत का जन्म लेने के बाद किसी ना किसी दिन किसी मर्द की बलि तो चढ़नी ही है ना। क्या कोई मर्द बलि चढ़ने वाला है? पसंद का लड़का है। वो सागर है ना? अभी तक तुम्हारा प्यार शादी तक पहुंचा? तुम सब लोग आशीर्वाद दोगे तो बहुत आगे तक जाएगी, तुम सब लोगों को आना है। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। तेरी शादी हो और हम ना आए, ऐसा हो सकता नमस्ते है? नमस्ते आंटी। जीती रहे बेटा, 1000 साल जियो, दूध नहाओ, पुतो फरे। सौ बस है आंटी, 1000 बोर हैं। तू मेरे साथ आ रही है? मैं? तू ही रे, शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं आ सकती क्या? शादी में मैं नहीं आना चाहती। किसने बोला? तू नहीं आएगी तो मैं मंगलसूत्र ही नहीं पहनूंगी।
वो बात नहीं है बेटी, एक बार उनसे भी पूछ लेती। वो सब मैं नहीं जानती आंटी, मैं अभी इसको लेके जा रही हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटी कि अंकल से आप कुछ भी बोल दीजिए। अंकल कुछ बोलेंगे तो? अंकल कुछ बोलेंगे तो मेरा सेल नंबर दे रही हूँ, मेरे से बात करने को बोलिए। ये लीजिए। ठीक है बेटी, जाओ तुम। ये इतना कह रही है तो मना करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ की फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। चलो चलते हैं। थैंक्स आंटी। सर, हत्यारिन का नाम चांदनी है, कमल की वाइफ। जानते हुए भी अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसको अतीन्द्रिय शक्तियां हैं बोल के एक भावना है। उस यकीन को साबित करने के लिए 24 घंटे दिए हैं। What nonsense you're talking? इस केस पर अभी भी बहुत प्रेशर है। दोषी को अरेस्ट ना करना ही आपकी बहुत बड़ी गलती है। उसे तुरंत अरेस्ट करके कोर्ट में सबमिट कीजिए। मेक इट फास्ट, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यस सर। कुछ काम की बात हुई क्या? उसकी कोशिश वो कर रहा है। चांदनी कहाँ है? उसकी फ्रेंड आई थी, उसके साथ गई है। किधर? शादी में। तुम्हें अकल है? उसे अकेले क्यों भेजा? उसकी दोस्त ने जबरदस्ती की थी। भगवान, जो सोचा वही हुआ। दरअसल हुआ क्या जी? ये सब बताने का तुझे टाइम नहीं है? किसके साथ कहाँ गई? विनीता नाम है, चांदनी की दोस्त है वो। अरे, उसी की शादी है हैदराबाद में। इतनी उम्र हो गई पर तुझे अकल नहीं आई? भगवान, इस अनर्थ को कैसे रोकूं मैं, कैसे रोकूं? नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, जब से हमारी बेटी की शादी के बारे में सोचा है तब से अपशगुन ही हो रहा है, इसलिए आए हैं। कुंडली लाए हो? जी, लेके आया हूँ। आपके बेटे को नाग दोष है, नाग देवता प्रतिशोध लेना चाहती है। स्वामी जी, अब क्या करें हम? उसको तुरंत बुलवाइए। फोन नहीं लग रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। नाग देवता की पूजा के लिए तैयारी करो। चांदनी कहाँ है? अपनी दोस्त की शादी में गई। What? ये क्या किया आपने? कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? कार्ड के ऊपर सेल नंबर लिखा था। जल्दी लेकर आइए। मैं घर में नहीं था, मेरे आने तक ऐसा हो गया। हेलो, क्या हुआ? कहाँ? ऐसा क्या? ओह माय गॉड, जो सोचा वही हुआ। क्या हुआ सर? वो लड़की शादी करने वाली और कोई नहीं, इस रात चांदनी उसके हस्बैंड को मार डालेगी। ये लीजिए। वाओ, ब्यूटीफुल, तुझे मेरी नजर ना लग जाए। चल जा रे। तू मुझे हमेशा ऐसे ही दिखना, ओके? सागर, ही इज माय वुड बी। हेलो। हाय। मेरी बेस्ट फ्रेंड चांदनी। चांदनी आप ही हैं? आपके बारे में ये हमेशा बोलती रहती है। हेलो, कहाँ हो बेटा? वनीता के घर पे हूँ। अच्छा, ये फोन पे बताने वाली बात नहीं है, तुम जल्दी यहाँ आओ। हाँ हाँ, ठीक है, डैडी ने अर्जेंटली बुलाया है, मैं जाके आता हूँ। बाय चांदनी। यू आर अ लकी गर्ल, पसंदीदा लड़के से ही शादी हो रही है। थैंक्स। हेलो, मैं आईपीएस परशुराम बोल रहा हूँ। दुल्हन वनीता आप ही हैं क्या? वनीता ही बोल रही हूँ। चांदनी आपके पास है क्या? हाँ, चांदनी इधर ही है, बात करेंगे क्या? चांदनी अचानक गायब हो गई। छी, जो सोचा वही हुआ। चांदनी दिखी तो कमरे में बंद करो, शी इज क्रिमिनल। आज रात चांदनी सागर को मारने वाली है। Ha 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 ha!
जाने में किया अपराध है, करुणा दिखाओ, क्षमा कर दो। तुम उग्र रूप धारण करोगी तो तुम्हारे मुकाबले में कोई शक्ति नहीं है माँ। ये लोग तुम्हें माता कहते हैं, तुम्हें दूध चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करते हैं। अगर तुम जहर उगलोगी तो ये इंसान भस्म हो जाएगा। हाला हल पिया गंगाधर के गले में कंटा भूषण जैसा विराजमान हुए हो, ये सब तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी आरती उतारते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं। ये इस पंडित की निवेदन है तुमसे, भूल जाओ अपना गुस्सा, इसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मां। जब से इंसान बोलना सीखता है तब से ही हम नागों की पूजा करना शुरू करते हैं। हमारी महिमा से लोगों को संतान का सौभाग्य प्राप्त होता है, मुश्किलों से लोग बचते हैं, मांग का सिंदूर बरकरार रहता है, लेकिन हमें ही नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर हमें तकलीफ देना बंद ना किया तो इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में उसका जरूर प्रतिशोध लेंगे। हमारी पूजा किया कर तुम लोगों को हम आशीर्वाद देंगे।